नगर निगमों की तस्वीर साफ हो चुकी है। नगर निगमों में दो पर बीजेपी का कब्जा हुआ, जबकि एक नगर निगम कांग्रेस के खाते में गया है। उदयपुर नगर निगम में बीजेपी के जीएम टांक मेयर बने, जबकि बीकानेर नगर निगम में बीजेपी की ही सुशीला कंवर मेयर बनी है। भरतपुर नगर निगम में कांग्रेस के अभिजीत जाटव मेयर बने, जबकि सीकर नगर परिषद में कांग्रेस के जीवन खां बने सभापति। मांगरोल नगर पालिका में कांग्रेस के कौशल सुमन अध्यक्ष बने। कानोर नगर पालिका में कांग्रेस की चंदा मीणा अध्यक्ष बनी। सादुलपुर नगर पालिका में कांग्रेस की रजिया गहलोत बनी अध्यक्ष। नीम का थाना नगर पालिका में कांग्रेस की सरता दीवान को अध्यक्ष बनाया गया। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में कांग्रेस के संदीप शर्मा सभापति बनाए गए। भीनमाल नगर परिषद में कांग्रेस के विमला बोहरा सभापति बने हैं। नसीराबाद नगर पालिका में कांग्रेस की शारदा मित्तलवाल अध्यक्ष चुनी गई। माउंट आबू नगर पालिका में कांग्रेस के जीतू राणा अध्यक्ष बनी है। चूरू नगर परिषद में कांग्रेस की पायल सैनी सभापति बनाए गए। जैसलमेर नगर परिषद में निर्दलीय हरिवल्लभ कल्ला सभापति बनाए गए। बाड़मेर नगर परिषद में कांग्रेस के दीपक माली सभापति बने हैं। गाड़ी प्रतापपुर नगर पालिका में बीजेपी के दिलीप परमार अध्यक्ष बने, तो शिवगंज नगर परिषद में कांग्रेस के वजिंग राम सभापति बने हैं। महुआ नगर पालिका में कांग्रेस के नर्मदा देवी चेयरमैन बनी है। बारोत्रा नगर परिषद में बीजेपी के सुमित्रा जैन को सभापति बनाया गया। थानागाजी नगर पालिका में कांग्रेस के चौथमल सैनी विजयी रहे, तो पिंडवाड़ा नगर पालिका में बीजेपी के प्रजापति सभापति बने हैं। कांग्रेस से जो प्रत्याशी है मेयर के अभिजीत जाटव नगर निगम पहुंचे हैं, कुछ देर में इनके साथ पार्षद भी मतदान के लिए यहां पहुंचेंगे। सर, आपको बधाई जीत के लिए। जिस तरह के हालात या कांग्रेस ने बनाए, किस तरह की रणनीति और कितनी देर में पार्षद यहां मतदान के लिए पहुंचने वाले हैं? रणनीति कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छा काम हो, यहाँ कुछ बदलाव आए, बदलाव के साथ में विकास आए, उसी उद्देश्य को लेकर वो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। सर, पार्षदों को क्या जयपुर से भरतपुर लाया जा चुका है या अभी भी मीटिंग चल रही है जहां मंत्री उन्हें संबोधित करेंगे? इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं। तो किस तरह की रणनीति आपकी रहने वाली है, जब पहली बार जब मेयर के पद पर आसीन होंगे तो किस तरह की? अब रणनीति का तो परिणाम 10 से 2 बजे के मध्य आ ही जाएगा, 3 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, आप सब पता लग जाएगा। जो भी रणनीति रही, हम एकजुट होके जिसमें सबसे निर्दलियों के साथ साथ भाजपा के पार्षदों ने भी आपको समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि विकास कड़ी से कड़ी जुड़ी जाए। हर कोई जो विकासशील पुरुष होता है, हर कोई चाहेगा, महिला हो पुरुष हो, कि भाई इस क्षेत्र का विकास हो। और 25 साल से भाजपा या भाजपा समर्थित वोट रहा है, तो अब कुछ बदलाव चाहते हैं लोग, एक नई सोच आए, नया काम करने का तरीका विकसित हो, तो ये सब चाहते हैं, उनका ये मानना है, इसलिए शायद वो वोट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि कौन कितने वोट कर रहे हैं, पर इतना मुझे मालूम है कि हमारे पास में जो मैजिक फिगर है उससे कहीं ज्यादा है। ये थे अभिजीत कुमार, जिनका कहना है कि उन्होंने मैजिक फिगर है, जो जादू आंकड़ा है उसको छू लिया है, और निश्चित रूप से इस बार नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड देखने को मिलेगा और अभिजीत कुमार ही भरतपुर नगर निगम के नए मेयर होंगे। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।